टॉप 5 बेस्ट वन प्लस स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीस। सो हे दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पर वन प्लस के फ़ैन हैं? क्या आपको भी स्टॉक यूआई अच्छा लगता है, अच्छे डिज़ाइन पसंद है, कम प्राइस पर बेटर स्पेसिफिकेशन अच्छी लगती है? सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूज़र्स की जिनका बजट है लगभग 18 से 19 हज़ार रुपये और उन्हें लेना है वन प्लस की तरफ से एक अच्छा सा 5G फ़ोन। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वन प्लस का नॉर्ड CE2 लाइट 5G। वो पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। साथ ही फोन के अंदर आपको मिलती है 6.59 इंचेस के फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 500 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगवा है 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं। वहीं पर दोस्तों, वीडियो आउटपुट की बात करें, सो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं गाइस। तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला एक काफ़ी अच्छा चिपसेट है, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतिम पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे फोन के अंदर LPDDR4 इसकी रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जहाँ पर 33 वॉट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और गाइस, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर 5 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो भाई, अगर आप यहाँ पर वन प्लस के फैन हैं और आपको यहाँ पर अच्छे कैमराज, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको यहाँ पर लगभग 19,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट पर गाइस, क्या हो अगर आप यहाँ पर थोड़े से और एडवांस कैमरा चाहते हैं, साथ ही साथ आपको एक अच्छा डिज़ाइन भी चाहिए और आपका बजट लगभग 18-19 हज़ार रुपये का ही है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वन प्लस का नॉर्ड CE3 लाइट रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और बात करें इस फ़ोन की तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के यहाँ पर बहुत ही औसम दिए गए हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 120 हर्ट्स की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्स की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी भी है और बड़ी भी दी गई है, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमराज मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। और आपको बता दूं कि 108 मेगापिक्सल से डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती हैं। वैसे आपको यहाँ पर 3x लॉसलेस जूम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। हाँ, तो दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, जो कि एड्रेनो 619 GPU के साथ में आता है। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये अंतुतु पर लगभग 4,10,000 के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाती है, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। वैसे अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन सिर्फ 30 मिनट के अंदर 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगा, तो दोस्तों ये कमाल की बात है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और तो भाई, ये फोन एंड्रॉइड 13 पर आता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ ये फोन अप टू 9 5G बैंड्स के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपये। और दोस्तों, इस लिस्ट का वन प्लस का जो अगला स्मार्टफोन है ये आपको काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी अच्छे कैमराज और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में मिलता है, वन प्लस का नॉर्ड CE2। देखा जाए तो ये फोन भी काफी गुड लुकिंग फोन है। और अच्छी बात ये है कि इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.43 इंचेस की कॉम्पैक्ट साइज की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी दिया गया, 800 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है।
सो फोन की डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें सो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं तीन कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो दोस्तों यहाँ पर भी कैमरा सेटअप काफी अच्छा दिया गया है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की मिल जाती है। वैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नाइट मोड वगैरह, सो ये भी अच्छी बात है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें सो बैक साइड में आपको यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 fps, और फ्रंट से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही साइड आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek का Dimensity 900 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, 920 और 900 लगभग सेम टाइप के प्रोसेसर है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,23,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जहाँ पर 65 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन बहुत जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये फोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 24,990 रुपये। सो अब बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन दोस्तों इस बजट के अंदर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस के साथ में मिल जाता है, और ये फोन यहाँ पर OnePlus का Nord 2T। ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी कमाल के हैं। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.43 inches की फुल HD+ वाली सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया, HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। लगभग 600 nits की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है, 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और आपको यहाँ पर OIS जैसा फीचर मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिलता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट और लो लाइट दोनों में ही काफी अच्छी इमेज आउटपुट भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 fps, साथ ही आपको यहाँ पर जायरो EIS भी मिलेगा। फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। चलिए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 1300 का चिपसेट, और ये चिपसेट 6nm की फैब्रिकेशन पर आता है। साथ ही आपको यहाँ पर एक लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिलेगा। रही बात अंततः की, तो ये स्मार्टफोन लगभग 6 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाती है, साथ ही साथ आप यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर फोन के अंदर कोई शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको 4,500mAh की बैटरी दी गई है, जहां पर 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। साथ ही अगर हम एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहां पर भी आपको एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाएगा, और दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको मिलता है ऑक्सीजन OS 12.1। रही बात 3.5mm जैक और कार्ड ऑप्शन की, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते। सो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 28,999 रुपये। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर लगभग 35,000 रुपीज तक OnePlus की तरफ से कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं OnePlus का 10R, जो कि आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। वो प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के बहुत कमाल के दिए गए हैं। वैसे फोन की डिस्प्ले की बात कर लें तो इस फोन में भी आपको मिलती है 6.67 inches की फुल HD+ वाली फ्लूइड एमोलेड पैनल, जो कि 10-bit की पैनल है। साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 950 nits की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, HDR10+ का सर्टिफिकेशन दिया गया, वाइट बाइट 11 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, और इन सभी के अलावा 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट, 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट। तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। चलिए बात करते हैं कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं तीन कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 megapixel का, जो कि सोनी का IMX766 वाला सेंसर है, और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी मिल जाता है। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो डे लाइट और लो लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज तो काफी कमाल की मिलती है, और वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 fps, जहां पर दोनों ही कैमरा से आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी मिल जाता है। सो कैमरा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर कमाल की मिलती है। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, तो यहां पर आपको मिलता है 5nm बेस MediaTek का Dimensity 8100 मैक्स का चिपसेट, और यहां पर आपको एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया, जिसकी मदद से दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग 8 लाख के आसपास अंततः स्कोर कर जाता है। और देखा जाएगा इस, तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई खास दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 वाला आपको यहां पर स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस आपको यहां पर टॉप नॉच मिलती है।
पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 80 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको डेफिनेटली इस फोन के अंदर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों 3.5 mm का जैक और कार्ड ऑप्शन आपको फोन के अंदर नहीं मिलने वाले, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आपको OnePlus की तरफ से कमाल का फोन लेना हो तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो दोस्तों 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 34,999 रुपए। और पर दोस्तों अभी आपको यहां पर 3000 रुपए तक का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, जिससे अप्लाई करके ये जो स्मार्टफोन है ये इफेक्टिवली आप परचेस कर पाएंगे 32,999 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 33,000 रुपए की प्राइस पर। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली गाइज ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं OnePlus की तरफ से, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।